नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चौबियापाड़ा निवासी व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही अपहरण को बरामद किया है। ये अपहरण शहर की एक पॉश कॉलोनी में छुपा कर रखा गया था। मथुरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस कामयाबी में पुलिस ने चौबियापाड़े के रहने वाले व्यक्ति का अपहरण हुआ था, उसे मुक्त करा लिया। चौबियापाड़ा निवासी प्रिंस चतुर्वेदी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पिता बनवारी लाल चतुर्वेदी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस को रात में करीब 12 बजे ये मैसेज मिला। हरकत में आते हुए पुलिस ने तत्काल कई टीमें गठित की और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए कई टीम लगा दी। पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस और बदमाशों के मूवमेंट की पल पल की सूचना ली जा रही थी। प्रिंस चतुर्वेदी ने पुलिस को बताया तो उसे करीब 2 बजे फोन आया कि तुम्हारे पिता का अपहरण कर लिया गया है, बीएसए कॉलेज पर 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता को मार दिया जाएगा। इसी बीच बदमाश अपनी लोकेशन बदलते रहे। आखिर में मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम रोड पर बुलाया गया। मौके पर पहले से ही पुलिस की कई टीमें सादा कपड़ों में तैनात कर दी गयी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 बदमाश जब रकम लेने पहुंचे तो पुलिस की टीमों ने तत्काल संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को बिना कोई मौका दिए दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों ने बनवारी लाल को पवन शर्मा के घर पर बंधक बनाकर रखा था। इसके बाद आनंदपुरी स्थित मकान पर पुलिस ने दोनों बदमाशों के साथ लेकर दबिश दी। यहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अंकुर पंडित, सुरेंद्र शर्मा, आशीष शर्मा और रेणु शर्मा को दबोच लिया और अपराध को सकुशल छुड़ा लिया गया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ये मुझको कह दिया 25 लाख रुपया। महिला कब से संपर्क में थी आप? महिला कैसे रन बात का मैं मतलब जो भागवत यही संपर्क में नहीं हुआ कभी भी, सिर्फ फोन पे बात होती थी, सिर्फ इसके पति से एक आध दो बार बात हुई मुझे मुझको मिला। जी लड़की लड़की अपने महिला आरोप लगा रही थी महिला के लिए कि आप उसके पहले संपर्क में नहीं कभी भी नहीं, आप उससे बार बार कहती थी नहीं 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 ये लड़की अवेलेबल कराई नहीं 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 हाँ लड़की साली की शादी के लिए अवेलेबल कराई शादी के लिए अपने लिए नहीं मतलब भाई अपने लिए मैं क्यों कहूँगा, मैं तो दुनिया में देख रहा हूँ इतना मतलब जमड़ा चल रहा है, मैं ऐसे समय पर क्यों ऐसे बात करूँ। कितने पैसे मांगे थे इन्होंने? पहले मांगे थे मुझसे 25 लाख। वीडियो क्लिप दिखाई आपको? नहीं मतलब थोड़ी सी दूर से दिखाई, मैं तो घबरा गया था, रो रहा था, मैं क्या देख पाता फिर उसने, तो मैंने उसको 25 लाख रुपये दो, मैंने 25 लाख नहीं दूंगा, बोले मार देंगे, मैंने मार दो 25 लाख नहीं दे सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने अंकुर एक छात्र अपराधी है और कई थानों की पुलिस को उसकी तलाश है। इनके कब्जे से पुलिस ने हथियार मोन मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी श्रवण कुमार ने बताया कि अपहरण की सूचना के बाद पुलिस की कई टीमें पकड़ को छुड़ाने के लिए लगाई गई थी। इसमें पीड़ित परिवार का भी पूरा साथ मिला, तभी अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। कोतवाली पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। कल कोतवाली पुलिस को 11 बजे सूचना मिली, ये एक कथा कहने वाले हैं, उनकी किडनैपिंग हो गई। प्राइमा फेसी हम लोगों को भी ताजुब नहीं हुआ, मतलब इस पे सरप्राइज हुआ। इन्होंने कप्तान साहब से पूरी बात को बताई, कप्तान साहब ने पूरी टीम को लगाया उसमें, इसमें 3 चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर कोतवाली पूरी टीम लगी रही और हम लोग डिटेल इस पे मतलब समय समय पे इनकी लोकेशन इनकी पुलिस सर्वलांस लेते रहे और जब इनको ट्रिप किया गया पकड़ा गया, 2 बार स्पॉट बदला, पहले एक जगह पे पैसा मंगाया, फिर दूसरी जगह पे पैसा मंगाया, अंत में तीसरी जगह पे जब इन्होंने पैसा मंगाया तो वहाँ पे ये पकड़ में आए और पकड़ने के बाद 6 लोग पकड़े गए, जिसमें एक 20,000 का इनाम है जिसको हम लोग पिछले 1 महीने से तलाश कर रहे थे, वो शातिर अपराधी निकला। और इसमें जिनको इन्होंने ट्रिप में लिया था, पहले उनसे उनके साले की शादी के रिश्ता तय करते रहे, उनको लगा कि ये लोग अच्छे हैं और ये रिश्ता करा देंगे उनके साले की, वो उनके पास गए और फिर महिला को सामने रख करके उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, उनकी वीडियो बनाई। उनको ये नहीं पता था कि उनकी एक्टिविटी की वीडियो बन रही है और जब वीडियो बन गई, उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा इसको मैं नेट पर डालूंगा और आपको 25 लाख रुपये तत्काल देने पड़ेंगे। उन्होंने इस पर डिनाई किया, बोले मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप तो अपनी बेइज्जती और अपनी उसके लिए तैयार रहिए। अंत में 2 लाख रुपए पे इनकी बात तय हुई, उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने तत्काल बिना विलंब किए वो सूचना पुलिस को दी
और पुलिस ने भी बिना विलंब के इंस्पेक्टर कोतवाली COCT पूरी इनकी टीम लगी रही और तीसरे अटेम्प्ट में हम लोगों ने इनको पकड़ा है। और ये पूरा का पूरा एक गैंग, बड़ा नोटोरियस गैंग है और इस गैंग की जो है इसमें दोनों तरीके के अपराध हैं, लूट करना प्लस लेडीज़ को इन्वॉल्व करके एक तरीके से ब्लैक मेलिंग और उसकी जो है इज्जत को डरा धमका करके उस पर पैसे बैठने का। ये इसे एक मथुरा पुलिस का बहुत अच्छा काम है, इसे भविष्य में शहर के होली गेट में छत्ता बाजार स्थित कन्हैया क्लोर मार्केट में एक दुकान में आग लग गई जिससे लाखों का माल जलकर नष्ट हो गया। इस आग ने समीपवर्ती दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया वरना स्थिति कुछ और ही होती। ये दृश्य है होली गेट के छत्ता बाजार स्थित कन्हैया क्लोर मार्केट के अंदर का, जहाँ रात के दौरान अचानक एक दुकान में आग लग गई। इस घटना का पता तब लगा जब बंद मार्केट से लोगों ने धुआं उठता देखा। धुआं उठता देखकर लोग मार्केट का शटर खोलकर जब अंदर पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। यहां एक दुकान के अंदर आग लगी हुई थी और उस आग के कारण बंद शटर से धुआं निकल रहा था। इस सूचना पर आनंद फानन में आसपास क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए और दुकान स्वामी के आने तक शटर तोड़कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। ये आग धीरे धीरे इतनी बड़ी कि बगल की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दूसरी दुकान में भी आग लग गई। क्षेत्रीय लोगों ने किसी तरह से शटर को तोड़ा और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि काफी प्रयास के बावजूद भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी बीच कुछ लोगों ने दमकल विभाग में इस घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। तब तक स्थानीय लोगों ने दोनों दुकानों का शटर तोड़ लिया। इसी बीच दमकल कर्मियों ने फुर्ती बरतते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दोनों दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। राया के मोहल्ला व्यापारियों ने बकायेदारों का कनेक्शन काटने पहुंची विद्युत टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इन हमलावरों ने टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता की, साथ में पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई की। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये दृश्य है राया कस्बे के मोहल्ला व्यापारियों का, जहां शुक्रवार को विद्युत विभाग की टीम बकायेदारों से वसूली करने और अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गई थी। विद्युत टीम ने इस मोहल्ले में 50 से अधिक बकायेदारों के कनेक्शन काटे। कनेक्शन काटे जाने पर वहां रहने वाले लोग भड़क गए और विद्युत कर्मियों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, विद्युत टीम के साथ गए पुलिस कर्मियों के साथ भी बकायेदारों ने अभद्रता की, जिस पर मामला गर्मा गया। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना राया की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और हंगामा काटते लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने सख्ती दिखाई। इस मामले में मौके पर उपद्रव मचाते एक युवक को पुलिस ने दबोच लिया और उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। इस मामले को लेकर की गई बातचीत में क्षेत्र के सभासद ने मंच न्यूज को जानकारी दी। क्या मामला बताइए? मेरा नाम मोहम्मद जायद कुरैशी है, इस वार्ड का सभासद हूँ, 12 वार्ड का। और विद्युत विभाग की टीम आई थी, जेई साथ थे, एसडीओ साथ थे और हमारे राया के जो आज ही चार संभाला है कस्बा इंचार्ज थे और नागर सिंह दरोगा जी भी थे और भी पुलिस प्रशासन था, और उनने अपना काम किया है। जिन लोगों पर बकाया दार है उनसे वसूली कहा है कि अपने अपने बिल जमा करो, और जो अवैध केबिल है उनसे बोला है कि अवैध केबिल मत डालो और बिजली 24 घंटे मिलेगी उपलब्ध, और जो बिजली विभाग का पैसा उनको जमा कर दो। उधर विद्युत टीम से अभद्रता करने के मामले में SDO और JE थाना राया पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत टीम से अभद्रता करने वालों के खिलाफ तहरीर दी। इस घटना के संदर्भ में क्षेत्र के SDO द्वारा मंच न्यूज को जानकारी दी गई। मैं आपका देवी सिंह, किस पद पर हो आप यहां पर? उपखंड अधिकारी राया के पद पर हूं। घटना क्या हुई आज? घटना यह है कि विद्युत बकायेदारों के खिलाफ बकाया वसूली के लेकर पुलिस के साथ में कनेक्शन विच्छेदित किए जा रहे थे, जिसमें नई दिल्ली मोहल्ला, नई दिल्ली सुल्तानगंज और व्यापारियन मोहल्ला मार्ट रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के तहत जो है लगभग 50 संयोजन विच्छेदित किए गए, जिनमें से लगभग 12 कनेक्शन 1 लाख से ऊपर के बकायेदारों को विच्छेदित किए गए, लगभग 20-25 लाख का
बकाया था, जिसमें से कुछ उपभोक्ताओं ने मौके पर ही पैसा जमा कराया, जिनके संयोजन पुनः जुड़वाई गई। सर, जैसा कि मारपीट का मामला संज्ञान में आ रहा है, क्या ये सही है? नहीं सर, एक दो संयोजन को काटने को लेकर आपस में थोड़ा सा विवाद हुआ टीम में, परंतु उन लोगों द्वारा माफी मांगने के कारण मामला शांत हुआ। कार्रवाई की उनके खिलाफ कुछ? कार्रवाई उन्होंने मौके पर कोई कार्रवाई, क्योंकि बकाया कनेक्शन उनके काट दिए गए, पैसा शाम तक जमा कराएंगे, नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। कोसी में रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन गायों की दर्दनाक मौत हो गई। गौ रक्षकों ने इसे गौ तस्करों का षड्यंत्र बताया है। ये दृश्य है कोसी के रेलवे लाइन पर घटी उस दुर्घटना का, जिसमें लगभग आधा दर्जन गाय कट गईं। हम आपको बता दें कि सुबह के दौरान कुछ आवारा गाय रेलवे लाइन पर घूम रही थीं। इसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई। ट्रेन की धड़धड़ाहट को सुनकर गाय घबरा गईं और पटरियों पर ही इधर उधर भागने लगीं। इस बीच हॉर्न के कारण गाय बदहवास स्थिति में हो गयी, जिसका परिणाम ये रहा कि ये सभी गाय और बछड़े ट्रेन की चपेट में आ गए। आलम यह था कि गायों का शव ट्रेन के साथ साथ काफी दूर तक घिसटता चला गया। गायों के चपेट में आने से रेलवे लाइन दूर दूर तक खून से रंग गई। मौके पर खून से लगी पटरी और वहां दिख रहे निशान से आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि घटना के समय स्थिति क्या रही होगी। इस घटना की सूचना पर वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सूचना दिए जाने पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इन सभी गायों के शव को पटरी के किनारे करवाया। इसी बीच गौ रक्षक दल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस घटना को गौ तस्करों की साजिश बताया। बाबा बताइए, क्या मामला है आज? या तो ये गौ कसी वाले लोग घूमते हैं, वो लेके आए, या इनको जहर दिया गया, और या गौ कसी वालों का हाथ नहीं लगा तो उन्होंने रेल में कटवा दी। ये हमारे धर्म को नष्ट करने वाले हर जगह पनप गए, लेकिन क्या करूं कि हमारे श्री महाराज योगी जी इस समय गद्दी पर विराजमान हैं, दिल्ली के गद्दी पर हमारे जो अपने आप को बहुत बड़े हमारे हिमालय के पुजारी मोदी जी विराजमान हैं। अगर इस राज्य में गैया नहीं बची तो किस राज्य की चुनौती दी जाए कि कौन का राज आएगा जब गैया बचेंगी? कितनी गाय कटी है बाबा आज रेल में? और 2 दर्जन गाय कटी हुई हैं, और हमारी सब मीडिया वाले बेचारे हैं मौजूद, उन्होंने जैसा ही सुना हमारी मीडिया आई। लेकिन हमारी यही प्रार्थना है योगी जी से और जितने भी गौ भक्त हैं उनसे कि अब समय वो आ गया है कि अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे बहुत लड़ाई है। गौ माता इस तरीके से अगर कटेंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी केवल तस्वीरों में देखा करेगी कि इस तरीके से गौ माता होती थी और ब्रजवासी इसका दूध पीते थे। ये सब अस्तुत तो हिंदू संस्कृति का मिटाने का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। योगी जी गहराई में पहुंचे और जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 जिला के अंदर 10,000 गायों का गौशाला सरकारी बनाई जाएंगी, तो उनके चरणों में मोदी जी के प्रणाम करके योगी जी के मैं कहना चाहता हूं कि इन गायों को बचा लो। हमारी रोज आताताइयों से मुठभेड़ होती है और योगी जी ने कभी ये नहीं देखा कि हमारा एक छोटा कार्यकर्ता इतना बलवान दल को लेकर चलता है, गौरक्षक दल को, उसके ऊपर नजर होना चाहिए, गौशालाओं के ऊपर स्वावलंबता। और हमें बहुत खुशी है कि मेरे योगी जी लट्ठ मार होरी खेलने के लिए और ये जो गाय कटी हैं अब इनको उठाने की क्या व्यवस्था की गई है? उठाने की व्यवस्था पूरे ब्रज में मेरा गौरक्षक दल चलता है, पूरे नगर पालिकाओं में चैलेंज दे दिया है, आताताइयों के गांव में चैलेंज दे दिया है, अगर किसी ने चमड़ा उधेरा तो उसका चमड़ा भी उधेरा जाएगा। इसलिए एक एक गाय को पूरे ब्रज से बीन करके हम शास्त्र युक्त समाधि लगाता हूँ, चन्नल तुलसी गंगा जल से उनको अंतिम विदाई करता हूँ। क्या करूँ, मेरे भाग्य में यही है कि हम इन गायों को समय से डोले। हमारे योगी जी से प्रार्थना है, प्रशासन से भी प्रार्थना है कि जब गद्दी पे बैठते हो ईश्वर का नाम लेकर बैठते हो, फिर बाद में गैयाओं को प्रशासन भी ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा में आगे आए। फरिया पुलिस और आबकारी टीम ने मोहन टोल टैक्स पर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एक कार से शराब बरामद की है। ये बरामद कार अंग्रेजी है और 1.25 लाख रुपए की कीमत की बताई गई है। फरह पुलिस और आबकारी दल की संयुक्त कार्यवाही में पकड़ा गया ये युवक तकिया बटिया बाढ़ सासाराम रोहतास बिहार निवासी रामराज है। रामराज इस गाड़ी में लगभग 1.25 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब तस्करी करके ले जा रहा था। इस बात की सूचना मिलने पर आबकारी दल और फरह पुलिस ने महुआ टोल टैक्स पर चेकिंग करनी शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान इस गाड़ी में लगभग 1.25 लाख रुपए की हरियाणा मार्क का
शराब बरामद हुई। ये शराब कहां से कहां ले जाई जा रही थी, पुलिस इस बात की तस्करों से तस्दीक कर रही है। रिश्ता करने से इनकार करने पर लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के को जमकर धुंडाला। बात सिर्फ इतनी थी कि लड़की मंगली थी, लिहाजा लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया था। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती ये युवक प्रीति बिहार का रहने वाला फौजी का पुत्र सोनू कुंतल है। सोनू कुंतल की बड़े का नगला सादाबाद में एक युवती से शादी की बातचीत चल रही थी। बताया गया कि युवती का पिता फिरोजाबाद में दरोगा के पद पर तैनात है। एक माह से ये बातचीत चल रही थी, तभी सोनू को पता चला कि जिस युवती से वो शादी करने जा रहा है वो मंगली है। इस बात की जानकारी लगने पर सोनू और उसके परिजनों ने शादी करने से मना कर दिया। इसी बात से गुस्साए दरोगा जी के परिजनों ने हीरो होंडा एजेंसी पर काम करने वाले सोनू कुंतल पर ड्यूटी के दौरान हमला बोल दिया और उसकी जमकर धुनाई कर डाली। इस मारपीट में सोनू को काफी चोटें आईं, जिस पर सोनू के परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां सोनू कुंतल ने दबे स्वर में अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। कैसे लगी चोट आपके? तीन लड़के थे, वो आए और आके बात करने लगे और आके मेरे को मारने लगे। अच्छा, किस बात पर? उनकी बहन का कोई रिश्ता वो हमारे लिए लेके आए थे, वो हमने किया नहीं क्योंकि वो बहुत उग्र स्वभाव के थे, हमें उनका स्वभाव सही नहीं लगा, तो इस वजह से उन्होंने धमकी देके मारा। लड़की कोई दरोगा की बेटी बताते हैं? हाँ जी। तो लड़की मंगली थी? नहीं। हाँ नहीं, मंगली कौन था फिर? कोई नहीं। फिर मारपीट ऐसा क्या हुआ था जो रिश्ता टूटा? फिर रिश्ता हुआ नहीं था, केवल बातचीत वो करने आए थे, तो उनका स्वभाव कुछ अच्छा नहीं था, उनका उग्र स्वभाव था, तो इस वजह से उन्होंने इनकार करने पर जो है जी। प्रशासन और नगर निगम ने शहर में संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, लेकिन ये अभियान अपनी सार्थकता से कुछ अलग हटकर रहा, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। नगर पालिका अब नगर निगम बन गई है, लिहाजा नगर निगम के कर्मचारी बड़ी तेजी से बाजार में बने फुटपाथों पर एक्शन ले रहे हैं। जितने भी फुटपाथ पक्के बने हुए थे और अच्छे बने हुए थे, वो सब नगर निगम मथुरा ने तोड़ दिए। फुटपाथों पर नालियों के ऊपर जो पत्थर लगे हुए थे, वो सब भी नगर निगम ने तोड़ डाले। फुटपाथ के साथ साथ लोगों के घरों के नलों के कनेक्शन भी थे, वे सब भी नगर निगम ने तोड़ डाले। नगर निगम के अधिकारी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आते हैं और इस तरीके से अफरा तफरी और उखाड़ पछाड़ करके चले जाते हैं, लेकिन बनवाने के लिए कोई नहीं आता। जल्लागंज का फुटपाथ पिछले 1.5 साल से उखड़ा पड़ा है, लेकिन नगर निगम मथुरा ने अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली। लेकिन बने हुए सभी फुटपाथ और नालियों के ऊपर लगे पत्थरों को तोड़फोड़ कर डाला गया। अब इनसे कोई ये पूछे कि ग्राहक दुकानदार से सामान क्या नाली में खड़े होकर लेंगे? चौड़ी चौड़ी नालियां बनवा कर समस्या तो खड़ी कर दी, लेकिन उसका समाधान कुछ नहीं निकला। अब जलनगंज के सभी दुकानदारों के पास आने वाले ग्राहक इस नगर निगम की व्यवस्था को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि हम दुकानदारों से सामान क्या नाली के अंदर घुस कर खड़े होकर लें? जी सर बताएं, आज यह अतिक्रमण अभियान चल रहा है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए, प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और नगराई साहब के नेतृत्व में यहाँ पर पहले फूल देकर और अनुरोध कर लोगों को सूचित करते हुए बाकायदा अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया था। इसके लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, उसका कुछ इम्पैक्ट भी दिखा, कुछ लोगों ने हटाया भी, सहयोग भी किया, परंतु कुछ लोगों ने जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया है, पर्याप्त समय और मौका दिए जाने के बाद ये अब नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई कराई जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि जो शहर में अतिक्रमण की समस्या है और ट्रैफिक जाम को लेकर जो समस्या है उससे तो सर जब तक निजात मिले। आपके अभियान में कोई भेदभाव तो नहीं बरता जाएगा, कोई बड़ा व्यापारी उसे छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल, देखिए भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जी। जो भी अतिक्रमण अभियान है, जिसका भी अतिक्रमण है, एक सिरे से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसी प्रकार से इसको मांगे गतिमान रखें। तो सर ये आज शुरू हुआ अपना अभियान और पूरे शहर में चलेगा या फिर? हाँ देखिए, इसकी शुरुआत की गई है और चरणबद्ध रूप से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और प्रयास ये है कि हमारा जो शहर है मथुरा शहर है वो अतिक्रमण हो सके।
यमुना पुल से गुजरते समय पैर फिसलने पर नुकीली सर या एक मजदूर के सिर में जा घुसी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां परिजनों ने घटना के बारे में जानकारी दी। ये शव है गांव ईसापुर के रहने वाले बंटी का। बंटी यमुना पार स्थित मंडी में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। गुरुवार की शाम लगभग 7:30 बजे बंटी अपना काम निपटाने के बाद यमुना पुल से होते हुए अपने घर की ओर आ रहा था, तभी यमुना पुल पर उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से जब बंटी गिरा तो उसका सिर पुल पर लगी एक नुकीली एंगल में घुस गया, जिससे बंटी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना के बाद बंटी का परिवार अनाथ सा हो गया है, क्योंकि बंटी के अलावा उसके परिवार का लालन पालन करने वाला कोई नहीं था। इस घटना के संदर्भ में बंटी के बड़े भाई अनिल ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? अनिल है सर। कहाँ के रहने वाले हो? ईसापुर का रहने वाला हूँ। ये जो डेंगरा, अच्छा, ये जो मृत्यु हुई है आपकी? मेरा भाई है छोटा। कैसे मृत्यु हुई उनकी? ये सब्जी लेने गया था, सब्जी लेके आ रहा ट्रेन में से जा रहा था, पटरी पे उस पर से गिर गया था सर। कौन सा पर? ट्रेन वाला पुल है का, पल्ली पार का है का, रेलवे वाला का। हाँ, यमुना जी वाला। हाँ, यमुना जी वाला। कितने बजे घटना है ये? सब 7:45 बजे की बात है सर। काम कहाँ करते थे ये? सब्जी मंडी में काम करता था एक, सब्जी की, मतलब सब्जी मंडी। हाँ, गोविंद नगर के पास है। ये अपने हाथों से ही गिर पड़ा सर एक, पहल नहीं, कोई नहीं था सर, कोई साथ नहीं था। तो कल पोस्टमार्टम घर पे कितने बजे ले गए थे? जे हमको खबर लगी 9 बजे तक। 9 बजे? हाँ। तो अब आप डेड बॉडी ले जाएंगे? हाँ। पाकिस्तान द्वारा जाधव की पत्नी और उनकी माँ से बदसलूकी किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने न सिर्फ पुतला फूंका, बल्कि गलत बयानबाजी किए जाने पर सपा के सांसद नरेश अग्रवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की। नारेबाजी करते ये सभी लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और सदस्य हैं। हम आपको बता दें, पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर देश में गुस्सा है। इस मुद्दे को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वहीं सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने दिए बयान से लोग गुस्से में हैं। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मथुरा में सड़कों पर उतरी, जहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और नरेश अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। बीएसए कॉलेज के बाहर छात्र संगठन के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ वर्तात किया गया, वह सहन नहीं किया जाएगा। तुमने यहाँ पे और किसका फूंका है? आज हम लोगों ने पाकिस्तान का और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल का पुतला फूंका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने। पाकिस्तान द्वारा भारत की दो महिलाओं कुलभूषण जाधव की पत्नी और कुलभूषण जाधव की मां के द्वारा, मां के साथ जो पाकिस्तान में दुर्व्यवहार किया गया, उसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला फूंका है। एवं सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल द्वारा जो अमर्यादित टिप्पणी कुलभूषण जाधव पर की गई, उसको आतंकवादी करार दिया गया। ये कैसी राजनीति है? एक तरफ तो आप बात करते हो अच्छे संबंधों की, और एक तरफ आप अपने ही देश के नागरिक को, जिसको हम पाकिस्तान द्वारा झूठे तरीके से ईरान में से अगवा किया गया, और उसको हमारे ही देश के ऐसे नेता आतंकवादी करार दे रहे हैं। ऐसे नेताओं का विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से नरेश अग्रवाल को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त की जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मांग है। पाकिस्तान। मथुरा के निजी स्कूल के छात्र छात्राओं ने आने वाले वर्ष 2018 का स्वागत किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बच्चों ने आने वाले नए साल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, और सभी अपने अपने तरीके से नया साल मनाते हैं। कोई वीकेंड पर जाकर नया साल मनाता है, तो कोई भगवान के दर्शन कर अपना नया साल मनाता है। वहीं एक निजी स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने नए साल का स्वागत अपने अंदाज में किया, और एक मानव श्रृंखला बनाकर नए साल का वेलकम किया।
इस श्रृंखला में सैकड़ों लड़के लड़कियों ने भाग लिया और अपने हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर 2017 को अलविदा किया और 2018 का वेलकम किया। सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पर नए साल को लेकर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी और बड़े आनंद के साथ यह बच्चे 2018 का स्वागत कर रहे हैं। वहीं स्कूली छात्रा निशा ने बताया कि आज हम लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई है, इससे आने वाले नए साल का स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि आने वाला नया साल सभी देशवासियों के लिए मंगलमय रहे और सभी लोग आने वाले साल में खुश रहें। बताइए बेटे। आज हमारे स्कूल के डी एश इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने, हम लोगों ने मानव श्रृंखला के द्वारा 2018 नए साल का स्वागत किया। हम चाहते हैं आने वाला नया साल सबके लिए ढेर सारी खुशियां और मंगलमय रहे। धन्यवाद। और इन बच्चों के साथ रहे एक स्कूली शिक्षक ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। जी बताइए। आज बड़े खुशी की बात है कि हम लोग 2018 के आगाज में जा रहे हैं और 2017 खत्म होने जा रहा है और जिस हर्षोल्लास के साथ KDS इंटरनेशनल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। KDS इंटरनेशनल स्कूल मथुरा जयपुर के पीछे स्थित है। यहाँ आज लगभग 350-400 बच्चों ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए गए और बच्चों ने जिस उल्लास के साथ 2018 का स्वागत किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा दृश्य बना देखने को और इतना आनंद आया देखने को कि दूर दूर से लोग देखने के लिए आए और इतना अद्भुत दृश्य था KDS के अंदर के लोगों ने सराहा और बहुत स्वागत 2018 का, बहुत सम्मान, सबके लिए आनंद हो, मंगल हो, खुशी हो, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं 2018 के लिए और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए 2018 सबके लिए। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए मंच न्यूज़।